हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी। मेरे यूट्यूब चैनल सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस रेसिपी, मटर पनीर। मटर पनीर का तो कॉम्बिनेशन ही बहुत बढ़िया है और ये खाने में तो एकदम लाजवाब होती है और ये बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मटर पनीर बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच तेल लिए हैं और 2 मैंने रफली चॉप किए हुए प्याज लिए हैं। इसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये हल्के गुलाबी ना हो जाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, प्याज हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब मैंने यहाँ 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है और 2 मैंने यहाँ कटी हुई हरी मिर्च ली है। इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे और भून लेंगे। चलिए अच्छे से इसको भून लेते हैं जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं। अब मैंने यहाँ 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। आप यहाँ अदरक के टुकड़े और लहसुन की कलियाँ भी ले सकते हैं, उसको भी ऐसे आप इसमें भून लीजिए अच्छे से, क्योंकि हमने इसकी प्यूरी बनानी है। चलिए अच्छे से चला लेते हैं। अब मैं यहाँ 1 से 2 चुटकी नमक डाल दूंगी जिससे हमारे टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और इसको हमें ढककर 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। चलिए 2 मिनट हो गए हैं, हमारे टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और अब गैस की फ्लेम को करेंगे बंद और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और इसकी एक प्यूरी तैयार कर लेंगे। अब मैंने एक और पैन लिया है, उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल और 1 बड़ा चम्मच मैंने बटर लिया है। बटर से हमारी ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और हमारे मसाले भी नहीं जलेंगे। अब मैंने इसमें 1 तेज़पत्ता, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, आप बड़ी इलायची भी ले सकते हैं, और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है। इसको अच्छे से भून लेंगे। चलिए इसको अच्छे से भून लिया है। अब 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच हम यहाँ हल्दी लेंगे। हल्दी मैंने यहाँ कम ली है क्योंकि हमारी प्यूरी का बहुत ही अच्छा कलर आया है। यहाँ मैं 1 से 2 चम्मच पानी के डाल दूंगी जिससे हमारे मसाले जलेंगे नहीं और तुरंत हमें इसमें प्यूरी ऐड कर देनी है और प्यूरी को भी अच्छे से मिक्स कर देना है। चलिए प्यूरी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। देखिए कितना अच्छा कलर है। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी ने बहुत ही अच्छा कलर आया है और इसने तेल अच्छे से छोड़ दिया है। चलिए इसको थोड़ा चला लेते हैं। ये पहले से बहुत गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच क्रीम के डाल देंगे। ये मैंने फ्रेश क्रीम लिया है। अगर आपके पास जो घर में क्रीम होता है यानी कि जो घर की मलाई होती है, आप वो भी ले सकते हैं। इससे क्या है, हमारी ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, हमारा मटर पनीर बहुत ही मलाईदार बनेगा। तो चलिए इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं जिससे हमारी मलाई अच्छे से पक जाए। अब मैंने यहाँ 1 कप पानी लिया है और वो प्यूरी में डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ आप
ग्रेवी को अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें पानी थोड़ा और डाल सकते हैं, अगर आपको गाढ़ा पसंद है तो आप कम पानी डालिए। मैंने यहाँ कुल मिलाकर 1 कप पानी इसमें डाल दिया है और प्यूरी हमारी ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छे से बन गई है। अब इसको 2 मिनट ढककर पका लेंगे। 2 मिनट बाद हम चेक करेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनी है, वाव, और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। देखिए अब हम इसमें 1 कप मटर डाल देंगे। ये मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं। अगर आप ताज़े मटर ले रहे हैं तो उसको 2 से 3 मिनट अच्छे से ढककर पका लीजिए, लेकिन मैंने यहाँ फ्रोजन मटर लिए हैं, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ ही हम पनीर को भी डाल देंगे। यहाँ मैंने 1 कप पनीर लिया, यानी कि 200 ग्राम मैंने यहाँ पनीर लिया है, उसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको हमें ढककर 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है, ताकि हमारे सारे मसालों का टेस्ट पनीर में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए इसको 5 से 6 मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं। 5 से 6 मिनट बाद हम चेक करेंगे। देखिए हमारा मटर पनीर एकदम बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बना है, और दिखने में ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, बिल्कुल जैसे होटल में हमें मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही ये बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसमें 1/2 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डालूंगी। आप इसको हथेली पर रगड़कर भी डाल सकते हैं, मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया है। और फ्रेशनेस के लिए थोड़ा सा हम यहाँ कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। हरे धनिए से हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। चलिए इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और अब यहाँ गैस की फ्लेम को हम बंद करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए ढककर ऐसे ही छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए मटर पनीर बनकर हमारा तैयार हो गया है और ये बहुत ही यम्मी टेस्टी एंड डिलीशियस लग रहा है। तो चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है और बिल्कुल होटल स्टाइल ये रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और इसको इंजॉय कीजिए। देखिए बहुत ही प्यारा बना है और बहुत ही अच्छा टेस्टी और बिल्कुल मलाईदार हमारा मटर पनीर बना है। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, पूड़ी के साथ या फिर चावल के साथ, आप किसी के भी साथ इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है, वाव, और इसका कलर एकदम बढ़िया आया है। तो चलिए वेट किस चीज़ का है भाई, इसको बनाइए, खाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। चलिए इसको हम थोड़ा गार्निश कर लेते हैं। मैंने थोड़ा पनीर डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ बटर डाल दिया है। और ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाइए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।